गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन 20 अगस्त से चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में कथा व्यास वृंदावन से आए श्री राधे श्याम शास्त्री कर रहे हैं। 20 अगस्त से 26 अगस्त तक गीता वाटिका के प्रांगण में हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के छठवें दिन कथा व्यास वृंदावन से आए श्रीमद् श्री राधे श्याम शास्त्री ने भागवत पुराण सुनने आए लोगों को भगवान श्री कृष्ण के लीला को चरितार्थ करते हुए सुनाते हुए कहा कि भगवान धनवान का नहीं बल्कि प्रेम का भूखा होता है। गीता वाटिका में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाते हुए कथा व्यास श्री राधे श्याम शास्त्री ने कहा, कपड़े भी ठीक नहीं, कम से कम बड़े आदमियों के पास जाओ तो कपड़े तो अच्छे पहन के जाना चाहिए ना। कपड़े अच्छे, कम से कम कपड़े तो अच्छे पहनाओ, तो श्री कृष्ण के मामा का गांव है, मामा के गांव में सब मामा ही तो होते साहब। जोर से ऊपर मारा, माथा रख कर दिया, जितने भी धोबी थे कपड़ा फेंक करके भागे, मारा है मतलब कपड़ा ले कपड़ा क्या नहीं आने वाला, लो मित्रों कपड़ा, ये मामा का घर है। अरे महाराज खुश हो गए, कीमती कपड़ा बालक तो पहने लगे, पाजामा गले तक आ गए, कुर्ता पहने। कृष्ण के मित्र बोले, लाला कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन अच्छी नहीं है, बड़े मामा के पास जा रहे हैं, तो वही बाजार में बैठा था टेलर दर्जी, उसने धोबी को देखा था, बोले अगला बार तेरे ऊपर होगा। बोले गोविंद आपकी ही दुकान है, आओ ना आपकी ही दुकान है। तो दर्जी ने श्री कृष्ण के कपड़े ठीक कर दिए। भागवत ध्यान से सुनना आप लोग, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं भगवान के कपड़े जब दर्जी ने ठीक किए तो भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति। अब भगवान मथुरा शहर में घूम रहे हैं, ये बहुत सुंदर कथा जो मैं कह रहा हूँ। एक वह श्री कृष्ण मेरे घर आएगा तो माल्यार्पण करूँ, श्री कृष्ण मेरे घर आएगा तो माल्यार्पण वर्षों की साधना परिपूर्ण को चाहता है, तू तो केवल प्रेमियों को चाहता है, प्रेमियों को चाहता है। माँ जी ने माल्यार्पण, भगवान नारियों का सम्मान कितना करते, कुबड़ी को देखा जो चंदन की कटोरी हाथ में लेके जा रही है, भाई भगवान तो सुंदर है, वो कुबड़ी को देखा और जाकर के बोले, ए सुंदरी तेरा परिचय क्या है, गदगद हो गई, कितना सम्मान कर रहा है नारी का सम्मान। भगवान ने कहा, ए सुंदरी तेरा परिचय, लोग मुझे कुबड़ी कुबड़ी कहते, पर मथुरा शहर में पहली बार एक ऐसा भद्र पुरुष आया है जो मुझे सुंदरी कह करके बोला, मैं चंदन लगाती हूँ, कंस को आज आपको लगाऊंगी। भगवान को चंदन लगाया, भगवान उसका स्पर्श किया, उस कुबड़ी को सुंदर बना दिया जिसको कुब्जा कहते हैं। श्री कृष्ण से बोली, अब हमसे शादी करो। भगवान ने कहा, भाई नहीं समय आने दो। उसके बाद में भगवान घूमते घूमते, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, बाजार में गए, बाजार बाजार में समझ गए आप लोग, ये भागवत में लिखा है बड़ी यही है साहब। अब उनको मालूम हुआ अगली सरकार कृष्ण की बन रही है मथुरा में। ए महाराज, जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, कोई माला लेके पहुंच गया, कोई सुपारी लेके पहुंच गया, बोले साहब हम तो आपके ही हैं। लक्ष्मी जी बोली, बढ़िया बहुत अच्छे होते हैं साहब, बढ़िया बहुत अच्छे होते हैं हमारे भाई। कोई भी स्त्री जब अपने पति को सम्मान में देखते तो अच्छा लगता है, तो बोली बनिया हो चिंता मत करो, तुम्हारी दुकान में ही रहूंगी। लक्ष्मी जी खुश हो गए, इसलिए व्यापारी खुश हो गए। ये पंडित जी आए नहीं थे, ये पंडित थोड़े अकड़ू होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, बैठे रहना, बनिया कितने समझदार होते, तुरंत माला लेके आ गए, चंदन लेकर के आ गए। हाँ अग्रे बुद्धि बाणी, तो ठीक है उनकी दुकान ठीक चलने लगी। तो लक्ष्मी, ऐसा भागवत में वर्णन है हमारा, यहाँ बनियाओं ने श्री कृष्ण का स्वागत किया है भागवत में, यही तो बड़े पथई तांबूल लेकर के चंदन लेकर के। लक्ष्मी जी बनियाओं पर बड़ी प्रसन्न हुई है, बनियाओं की सबसे बड़ी विशेषता रहती विनम्रता होती है। महाराज नमस्कार, हाँ विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है, से काम नहीं चलना है। अब भगवान गए धनुष्य में, जब धनुष्य हो रहा था, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए कृष्ण बलदेव की, कंस घबराने लगा, बुरे बुरे स्वप्न देखने लगा है, और उसने रात में ही चांडू मुष्टिक को बुलाया, श्री कृष्ण आ चुका है, तुम जैसे ही जाओगे धर्म भूमि में मेरे लिए मचान बनवा दो और श्री कृष्ण बलराम को समाप्त कर देना, मुझे डर लग रहा है। रंगभूमि में बड़े बड़े वीर पहुंच जाते हैं, ध्यान देना कथा पे, रास्ता में कोलिया पीर नाम का हाथी खड़ा है और भगवान ने कोलिया पीर नाम का हाथी समाप्त किया है और उसके हाथी के दांत लेकर के रंगभूमि जा रहे हैं, झांकी का दर्शन कर लेना। श्री कृष्ण का रंग है सांवला,
बलराम का रंग है गोला, घुंघराले वार फेंट बधी है। भागवत में सुखदेव जी क्या कहते, जब मेरा कन्हैया रंग भूमि मथुरा गया, हथियार क्या लेके गया। सुखदेव जी भागवत जी में कहते हैं, हथियार की जगह पे क्या था लड़ने के समय जब श्री कृष्ण गए हैं, तो कहते गजदंत, गजदंत बराज भव। श्री कृष्ण के हाथ पे हथियार क्या, एक हाथी का दांत कन्हैया के कंधा पे, एक हाथी का दांत। और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त ने देखी, तैसी जैसी जिसकी भावना थी, पहलवानों को पहलवान और स्त्री कामदेव के रूप में दिखाई देने लगा है। अब तो महाराज उसी समय चांदपुर मुष्टिक पहुंच गए, पत्रा के नाम ही पहलवानों का नाम है। श्री कृष्ण महाराज कंस का आदेश है, आप हमसे कुश्ती लड़िए। कन्हैया बोलो भैया तुम इतने बड़े पहलवान, हम तो गांव के रहने वाले, हम का लड़ेंगे। बोले तू बलवानों का भी बलवान है, भगवान चांदूर से लड़े। चांदूर को समाप्त किए, बलवता आ गया है आज वही। तो भगवान ने क्या किया, बाल के बदले में बाल है, वर्ष का बाल है। और देख तेरी छाती पे यह देव की का, भगवान ने वजन बढ़ा करके कंस के बाल पकड़े और मचान से लेकर के जमीन में पटक दिया है। कृष्ण बलदेव की, एक बार जोर से बोलो, आतंक का अंत कर दिया कृष्ण की। सत्ता बदल गई साहब, जोर से बोलो, कृष्ण बलदेव की, कृष्ण बलदेव की।